नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम परस सावनानी है और टाटा मोटर्स ने जो है नेक्सोन को BS6 इंजन में लॉन्च कर दिया है। वहीं महिंद्रा ने भी जो है XUV300 को BS6 इंजन में लॉन्च कर दिया है। ये दोनों गाड़ियां जो है 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है और इन दोनों गाड़ी को जो है 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। इन दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। ये दोनों गाड़ियाँ जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ियाँ है। टाटा की नेक्सोन को जो है 5 स्टार रेटिंग मिला है और चाइल्ड सेफ्टी में जो है 3 स्टार रेटिंग मिला है, और महिंद्रा की XUV300 को जो है 5 स्टार रेटिंग मिला है और चाइल्ड सेफ्टी में जो है 4 स्टार रेटिंग मिला है। ये दोनों गाड़ियाँ जो है BS6 इंजन में लॉन्च होने के बाद इन दोनों गाड़ियों की जो है प्राइस में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, वही सेम प्राइस रखी गई है। और इन दोनों गाड़ियों में जो है आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है बहुत ही ज़्यादा फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। अब महिंद्रा के XUV300 में जो है आपको नया स्पोर्ट वेरिएंट भी मिलेगा जो दिल्ली ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुआ था। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करें तो महिंद्रा के XUV300 में जो है आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। पहला है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 110 PS की पावर मिलेगी और 200 Nm का जो है ट्रॉक मिलेगा। दूसरा इंजन जो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, इसमें आपको 115 BHP की पावर मिलेगी और 300 का जो है ट्रॉक मिलेगा। तीसरा इंजन जो है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको 130 PS की पावर मिलेगी और 230 का जो है ट्रॉक मिलेगा। ये इंजन जो है आपको स्पोर्ट वेरिएंट में ही मिलेगा। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स भी मिलेगा। इसमें आपको पेट्रोल में जो है 17 की एवरेज मिल सकती है और डीजल में जो है आपको 20 की एवरेज मिल सकती है। अगर हम टाटा नेक्सोन के इंजन की बात करें तो इसमें जो है आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 120 PS की पावर मिलेगी और 170 का जो है ट्रॉक मिलेगा। दूसरा इंजन जो है 1.5 लीटर का टर्बो 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, इसमें आपको 110 PS की पावर मिलेगी और 260 का जो है ट्रॉक मिलेगा। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स भी मिलेगा। इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। पेट्रोल में जो है इसकी 17 की एवरेज है और डीजल में जो है आपको 21 की एवरेज मिल सकती है। अगर हम दोनों गाड़ियों की फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा के XUV300 में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलेगा, 7 इंच का जो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन भी मिलेगा। डुअल जोन, फुली ऑटोमेटिक AC, वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, डुअल जोन डैशबोर्ड, स्मार्ट वॉच, 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर, 60-40 सीट, हीटेड ORVM, 7 एयरबैग्स, ABS, ODBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 4 डिस्क ब्रेक, ISOFX, कॉर्नर ब्रेक कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। अगर हम नेक्सोन के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, 7 इंच का जो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन भी मिलेगा। कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदर सीट, स्मार्ट वॉच, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हमर साउंड सिस्टम, 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर, पियानो ब्लैक, ORVM, वॉइस कमांड, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रियर सीट में जो है AC, 6 एयरबैग्स, ABS, ODBD, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोड ओवर मिटिगेशन, एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्री फ्रेशनर, ISOFX, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। इन दोनों गाड़ियों में जो है आपको बहुत सारे फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। अगर आप 7 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है काफ़ी अच्छी है। ये दोनों गाड़ियाँ जो है एक वैल्यू फॉर मनी है और इन दोनों गाड़ियों में जो है आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है बहुत ही ज़्यादा फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं और 5 स्टार रेटिंग भी मिल रही है। अगर आप महिंद्रा के XUV300 खरीदना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी का जो है बेस वेरियंट भी खरीद सकते हैं जो W4 है, उसके बाद W8 भी खरीद सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ी चाहते हैं तो W8 ऑप्शनल भी खरीद सकते हैं। अगर आपको टाटा नेक्सोन खरीदना चाहते हैं तो आप इसका बेस वेरिएंट XE भी खरीद सकते हैं, उसके बाद जो है XZ+ भी खरीद सकते हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं तो XZ+ ऑप्शनल भी खरीद सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।